I'll start with this now. Hello. So what is up everyone, welcome back to the channel. मैं हूँ अभी अल्मोड़ा में. तो मैं सुबह हल्द्वानी से चला था अराउंड 11 बजे. डेस्टिनेशन है वो है पिथौरागढ़ की. सो मैं अकेला राइड पे नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. एक साल पहले मिला था. Yes. और एक साल के बाद दोस्ती ऐसी हुई कि भाई भाई बन गया है. दोस्त नहीं, भाई कहूँगा मैं इसको. सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं पिथौरागढ़, और उसके आगे का जो प्लान है वो मैं पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद आपको बताऊँगा. सो रास्ते में ऐसा कुछ था नहीं यार, इसीलिए मैंने हल्द्वानी से लेकर अल्मोड़ा तक कुछ दिखाया नहीं. तो वो खड़ी अपनी रॉयल एनफील्ड, ये खड़ी एडवेंचर 390 KTM. तो भाई सीधा दिल्ली से आ रहा है भाग भाग के. गोली गोली एकदम गोली. तो मैं मिलता हूँ फिर आपको रास्ते में बाइक के ऊपर. ओके चलो. तो व्यू यार ऐसा कुछ खास नहीं है, रास्ता वही बिल्कुल सीधा सीधा. अभी तक तो कोई एडवेंचर है नहीं, क्योंकि एडवेंचर जो शुरू होने वाला है वो होगा कल. आज तो हमारा जो स्टे रहेगा वो पिथौरागढ़ रहेगा. सो ये मेरे सामने पूरी अल्मोड़ा सिटी है. सामने से धूप पड़ रही है, शायद ना दिखाई दे रही हो. जंगल के अंदर आ गए और घने ठंड होना हो गई है शुरू. सो गाइज अभी हम दनिया में हैं और यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए यार. और यहाँ से अब पिथौरागढ़ जो है 60 किलोमीटर रह गया. तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और व्यू जो है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. यहाँ से सामने सनसेट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ. रुको, वो देखो सामने इतना बढ़िया व्यू है ना यार ये. बट लेकिन अब धूप नीचे चली गई. जब मैं यहाँ 2 सेकंड पहले खड़ा था तो धूप थी, बढ़िया वाली धूप थी. तो अभी अब ये रही चाय मेरी, ये चाय है. तो ये रहा वो भाई जिसने चाय बनाई, बहुत अमेजिंग चाय बनाई है, अदरक वाली. तो यार लेट हो गए हैं काफी, और मेरे हिसाब से रात हो ही जाएगी. तो ये रहा मेरा भाई. जाएगी और हालत 101% खराब होने वाली है. हमने पहन लिए पूरे ये अपने गरम अंदर गरम कपड़े पहन लिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे रात होने वाली है. क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 5:30, मैक्सिमम 6:30 बजे तक यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और 7:30 से पहले किसी हाल में भी पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. तो अंधेरे में यार जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी. हाँ, यही है, कोई हमें ऐसा नहीं है यार, हम एंजॉय करने आए, मस्ती कर रहे हैं. टाइम हमें पता है आराम से चली जाएगी, तब भी कोई बात नहीं. इतना हमें एक्सपीरियंस है कि हम आराम से जाके पहुंच जाएंगे. तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया, 35 किलोमीटर तक तो रोड बिल्कुल ऐसी ही है बढ़िया. बट उसके बाद 5-6 किलोमीटर का जो पैच है वो थोड़ा सा खराब है. उसके बाद देखो क्या होता है उस पैच में. 5-6 किलोमीटर का मतलब ये हो गया हमारे 20-25 मिनट आराम से जाएंगे. तो मिलता हूँ फिर मैं आपको बाइक पे चाय पी करके. सो भाई अब हम निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से आगे की ओर, 60 किलोमीटर कवर करने हैं. निकलने के लिए रेडी? अरे लगाने के लिए तैयार. गोली गोली बाबा गोली. चलो ओके भाई, टेक केयर. तो यहाँ बैठे बैठे मैंने 2 सब्सक्राइबर भी गेन किए हैं. तो हम बढ़ दिए आगे की ओर. सब 35 किलोमीटर तक तो बिल्कुल सेम ऐसी ही रोड है. और 35 किलोमीटर के बाद हमें मिलेगा थोड़ा सा ऑफ रोड. भाई रेन लाइनर डालने का फायदा तो हो गया यार, ठंड तो नहीं लग रही अब चश्मे. अंधेरा भी होने वाला है.
यार। क्या लग रहा है यार वो इस टाइम, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। तो यहाँ से अब पिथौरागढ़ जो है वो रह गया है 35 किलोमीटर्स। एक घंटा और मान के चलो, अगर रोड ख़राब हुई तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। गाइज़ आप वो सामने जो लाइटें जलती हुई देख रहे हो पहाड़ों पे, वो सारा पिथौरागढ़ है। और बस हम पहुंच ही गए हैं, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है, 3 या 4 किलोमीटर। ठंडा हो गया है, ठंडा। सो वट इज़ अप गाइज, हम पहुँच गए हैं अपने रूम में और हम यहाँ पे 7:30 बजे पहुँच गए थे पिथौरागढ़ में। और अभी जो टाइम है वो लगभग हो रहा होगा 9 बज गए होंगे। खाना वाना हम खा पी के आराम से अपने रूम में आकर बैठ गए और एक ये छोटा सा रूम लिया है हमने, सामने छोटा सा ही, बहुत ही छोटा सा टॉयलेट है। ये सारे गैजेट्स हमने अपने लगा दिए हैं चार्जिंग पे, क्योंकि आगे जो है ठंड बहुत है, क्योंकि ठंड जब होती है तो बैटरीज ऑटोमेटिकली ना वो ठंड के कारण चुस्ती चली जाती है, चुस्ती चली जाती है। तो अंकित भाई फिर क्या प्लान है फिर कल? क्या रो कल सुबह 5:30 बजे उठ, 5:30 बजे उठ के निकलना है तो अपनी आंखें देखो क्या हो रहा यार, नींद सुबह के चल रहे यार, सुबह के चलने लगा था। चलो मैं तो हल्द्वानी चला हूँ, ये भाई दिल्ली से सुबह से चल रहा है। मेरी आंखें ठीक है, आंखें देख लो, सोए लेकिन हम दोनों नहीं है। रात को 2:30 बजे हम दोनों एक दूसरे को मैसेज करके ये पूछे थे, हाँ जी क्या प्लान है। तो बस सुबह सुबह उठ गए थे टाइम से और अब यार इतनी लेट हो गए हैं तो बस अब सोने की तैयारी करते हैं। सुबह मिलते हैं आपसे राइड पे और आगे हम बढ़ेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। सो अब हमारा प्लान जो है आगे का है वो धारचूला का। तो मिलता हूं फिर सुबह आपको मॉर्निंग में। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।